हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन टिक्का कबाब। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। हमने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन और लाल मिर्च का एक पेस्ट तैयार कर लिया था, हम उसे ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच। और ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि गोलकी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। अब हम इसमें धनिया पाउडर करीबन 1 और 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। कॉर्नफ्लावर 2 छोटा चम्मच। हम इसमें अब एक अंडा डाल देंगे। आप चाहें तो एग योक को हटा सकते हैं, सिर्फ वाइट डाल सकते हैं यानी कि एग का वाइट पोर्शन। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें मैदा डालेंगे करीबन 1 बड़ा चम्मच। और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हम यहाँ पर करीबन 1 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं। गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम हमारी चिकन को करीबन 10 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर लकड़ी के कुछ स्क्यूअर्स ले रही हूँ। हमारे जो चिकन के पीसेस है, हम उसे एक एक करके इन स्क्यूअर्स में लगा देंगे। हर एक स्क्वायर्स में हम करीबन 4 से 5 चिकन के पीसेस को लगाएंगे। लास्ट में जो हमारा मैरिनेशन बच जाएगा, हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसे चिकन के ऊपर ही अच्छे से लगा देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है हमारे चिकन में और हमारे कबाब जो है वो बहुत ही जूसी बनेंगे। मैंने इसी तरह बाकी सारे स्क्यूअर्स में भी हमारे चिकन के पीसेस को डाल लिया है और ऊपर से अच्छे से मैरिनेशन लगा दिया है। अब हमारा कबाब जो है वो तवे पर सेकेंगे। इसके लिए मैंने एक तवे में करीबन 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हमारे जो स्क्यूअर्स है कबाब के, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि तेल किस तरह से सिजल हो रहा है। हमें टाइम टू टाइम हमारे कबाब्स को पलटते रहना है, वरना वो नीचे से जल जाएगा। जब वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए एक साइड पर, तब हम उसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हल्का गोल्डन हो गया था तो मैंने इसे पलट दिया। इसी तरह हम बाकी सारे साइड्स को भी अच्छे से पका लेंगे। हमें हमारे कबाब्स में ये ध्यान रखना है कि ये या तो ओवर कुक ना हो या तो अंडर कुक ना हो, वरना जो कबाब का जूसीनेस होता है वो चला जाएगा।
आप देख सकते हैं हमारे जो कबाब है उसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें ऊपर से हल्का सा रिफाइंड ऑयल ड्रिजल करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। हमारा जो कबाब है वो बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसे सैलेड और लेमन जूस के साथ सर्व करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।